और दुर्गे मंदिर प्रांगण में भव्य श्री खाटू श्याम के मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। गुरु शिष्य परंपरा के प्रतीक गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जेवर क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों पर गुरु भक्तों ने पहुंचकर अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी सेवा की और भंडारे एवं कीर्तन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूँ आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत ही सुचारू रूप से शांतिपूर्ण भंडारा, यज्ञ हवन, गुरु पूजन सभी श्रद्धालुओं द्वारा पूजा पाठ किया जा रहा है और सब लोग उत्सव का आनंद ले रहे हैं। जेवर के जावल ऋषि आश्रम पर दूर दराज से आए भक्तों ने प्रसाद चढ़ाया और भंडारे का आयोजन किया। इस अवसर पर जावल ऋषि आश्रम पर वे लोग मुख्यतः पहुंचते हैं जो लोग महर्षि जावली को अपने गुरु के रूप में पूजते हैं तथा उन्हें अपना आराध्य मानते हैं। महर्षि जावली जी की जेवर क्षेत्र पर असीम कृपा है और महर्षि के नाम पर ही इस नगर का नाम जेवर पड़ा है। इसी श्रृंखला में जेवर के श्री देवी मंदिर पर गुरु भक्तों ने विशाल भंडारे का आयोजन कराया तथा सर्वप्रथम हवन यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु एवं भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। सभी गुरु प्रेमियों को आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु शिष्य परंपरा का पर्व गुरु पूर्णिमा धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। जेवर के सभी मंदिरों पर लगभग जो गुरु भक्त होते हैं उन्होंने पहुंचकर अपने गुरु की सेवा में नतमस्तक किए हैं और गुरु की सेवा की जा रही है। ये गुरु पर्व जो है उस उपलक्ष्य में आज यहाँ भंडारा चल रहा है पंकज ठाकुर जी की तरफ से देवी मंदिर जेवर। इसी मौके पर मैं आपको एक सूचना बता दूं कि और दुर्गे मंदिर प्रांगण में भव्य श्री खाटू श्याम के मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। तो इस पूरे मंदिर समिति है उसके अध्यक्ष मेरे साथ हैं। पंडित जी, मंदिर का कार्यक्रम जो निर्माण कार्य चल रहा है, खाटू श्याम के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, कितना कार्य संपन्न हो चुका है और कब तक ये मंदिर बनकर निर्माण हो जाए, क्या कहेंगे इसको लेकर? खाटू नरेश जी की कृपा से जो ये मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। नगर की जनता जो है, क्षेत्र की जनता जो है, जो बढ़ चढ़ कर हमें सहयोग कर रही है मंदिर के लिए, उसके लिए सर्वप्रथम हम उनका धन्यवाद करते हैं। और मंदिर शीघ्र ही लेंटर की तरफ चल रहा है जो एक विशाल और भव्य रूप धारण करने वाला है और जिसमें बाबा खाटू श्याम विराजमान होंगे, उसमें सभी नगरवासियों से अनुरोध है कि वो बाबा के दर्शन करें और अपना धर्म लाभ उठाएं। तो भव्य मंदिर बन रहा है, मैं चाहूँगा कि जरा वो चलें और मुझे मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मैं सभी क्षेत्रवासियों से चाहता हूँ कि मंदिर निर्माण कार्य में वो सभी अपना अपना सहयोग लें और भाग दें अपना। पीछे आप देख सकते हैं यही वो स्थान है जहाँ पर श्री खाटू नरेश का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप पूछेंगे अध्यक्ष महोदय से कि कहाँ कहाँ क्या क्या बनेगा इस मंदिर में, थोड़ा जानकारी दें। इस मंदिर में ये बाबा की 13 सीढ़ियों से आरंभ होता है जो आप देख रहे हैं, ये बन चुकी हैं। यहाँ सामने बाबा का शीश महल विराजमान है, बाबा इस शीश महल में ही विराजमान होंगे। इसके पश्चात आप यहाँ से जब दर्शन करने के लिए आएंगे तो ये परिक्रमा मार्ग से होते हुए इधर बाबा हनुमान जी विराजमान होंगे, इधर श्री राधा कृष्ण भगवान विराजमान होंगे। हाँ। पीछे से परिक्रमा करते हुए बाबा की रसोई उधर है, इधर से आप मंदिर के दर्शन करके श्री दुर्गे माता के चरणों में अपना उनका आशीर्वाद लेने पहुंच जाएंगे। कब तक कंप्लीट कब तक हो जाएगा? देखिए, ये मंदिर है, मंदिर को कंप्लीट होने में कह नहीं सकते क्योंकि प्रभु इच्छा होती है, वो जब चाहेंगे तब कंप्लीट होगा। क्षेत्र व जेवर नगर के जितने भी जनता है, जो भी श्याम प्रेमी है या अन्य भक्तगण हैं जो सनातन धर्म से संबंधित रखते हैं, उन प्रत्येक व्यक्ति का बढ़ चढ़ कर सहयोग मिल रहा है और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि अगर भूल बस हमसे कोई भूल हुई है तो उसे क्षमा करते हुए हमारे छोटे या उस कर्म को न देखा जाए और वो हमें आके मंदिर में सहयोग करें, भगवान का दर्शन करें और धर्म लाभ उठाएं। तो अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि ये मंदिर जल्दी से जल्दी बनके तैयार हो और सभी भक्तजनों को एक सुंदर और आकर्षक
खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने को प्राप्त हों। समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।